सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयनिट एक्सप्रेसो CSP के बारे में। तो अगर आप लोग रॉयनिट एक्सप्रेसो के साथ जुड़ के काम करना चाहते हो, रॉयनिट एक्सप्रेसो की आईडी लेकर काम करना चाहते हो, जैसे कि AEPS आधार कार्ड से पैसा निकालना, मनी ट्रांसफ़र करना, इंश्योरेंस फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स करना, ट्रैवल सर्विस प्रोवाइड करवाना, ये सभी चीज़ें अगर आप लोग करना चाहते हैं तो रॉयनिट एक्सप्रेसो के माध्यम से आप लोग जो है आईडी लेकर एक अपने दुकान को जो है डिजिटल सेवा केंद्र बना सकते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं बहुत ही लो कॉस्ट में और बहुत ही लो रेंज में। जो है आपको ऑल ओवर इंडिया में हम रॉयनिट एक्सप्रेसो की CSP आईडी प्रोवाइड करवा रहे हैं, रॉयनिट एक्सप्रेसो की AEPS यूज़र आईडी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करते रहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें सर्विसेज क्या मिलेंगी, आईडी का कॉस्ट कितना है, कौन लोग ले सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिया। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है रॉयनिट एक्सप्रेसो एक काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन AEPS कंपनी है अभी के दौर में। जैसा कि स्पाइस मनी है, पेनियर वाई है, रापी पे है और यहाँ पर फिनो पेमेंट्स बैंक है, काफ़ी ज़्यादा जो है AEPS कंपनी इंडिया के मार्केट में वो अभी अवेलेबल है। लेकिन उसी में एक नाम है रॉयनिट एक्सप्रेसो। रॉयनिट एक्सप्रेसो की अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या रिटेलर आईडी लेना चाहते हो तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट आपको क्या मिलती है कि इसमें जो है आपको ज़्यादा सर्विस देखने को मिलता है और आपको जो है बहुत ही अच्छा कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट भी मिलता है। तो इसमें आपको जो है कोई भी परेशानी ऐसा जो है झेलना नहीं पड़ता और काफ़ी अच्छा, जैसे कि BOB का, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा विड्रॉवल भी हो सकता है इसमें और होता है। मैं 100% बताता हूँ कि यहाँ पर जो लोग हमारे कस्टमर हैं या जो रिटेलर हैं उन लोगों ने यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का भी निकासी करके दिखाया है। तो रॉयनिट के माध्यम से ये भी पॉसिबल है बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी करना। इसके बाद हम बता दें, सबसे पहले सर्विस लिस्ट के बारे में हम बात करें तो सबको जो सर्विस मिलता है उसकी लिस्ट जो है यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो आप लोग लिस्ट को यहाँ पर सही से देखिए, ये सभी सर्विस जो है आपको रॉयनिट एक्सप्रेसो की रिटेलर आईडी के अंदर देखने को मिल जाएगी और ये टोटल की टोटल जो है एक्टिवेट आपको मिलेंगी। किसी के लिए एडवांस पैसा या फिर एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, रॉयनिट एक्सप्रेसो में जो आपको सर्विस मिलता है AEPS का मिलता है, DMT मिलता है और यहाँ पर जो है इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलती है, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करना, फ्लाइट टिकट बुकिंग करना, रेलवे टिकट बुकिंग करना, बस टिकट बुकिंग करना, होटल बुकिंग करने जैसी फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट्स करना, लोन रीपेमेंट्स करना, बहुत सारी सर्विसेज, पैन कार्ड बनाना, ये सभी चीज़ें जो है आपको रॉयनिट एक्सप्रेसो के माध्यम से आपके पोर्टल पे मिल जाएंगी। तो एंड यहाँ पर सर्विस जो है उसका लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल हम करवा दिए हैं, तो आप लोग सर्विस लिस्ट देख लीजिए। इसमें आपको सबसे बड़ी जो बेनिफिट देखने को मिलती है वो NSDL पेमेंट्स बैंक का अकाउंट ओपनिंग 0 बैलेंस के माध्यम से होता है। तो ये जो है अकाउंट जो ओपन होता है वो लैपटॉप के माध्यम से होता है, अकाउंट्स आप मोबाइल के माध्यम से नहीं खोल सकते हैं। अगर आप लोग NSDL की एक्टिवेट करवाते हैं सर्विस तो उसका अलग से चार्ज देना पड़ता है, लेकिन ग्राहक का जो है यहाँ पर 0 बैलेंस से अकाउंट ओपनिंग हो जाता है यहाँ पर रॉयनिट एक्सप्रेसो के माध्यम से NSDL पेमेंट्स बैंक का। यहाँ पर मैं आपको आईडी की कॉस्ट बता दूँ और डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी बता दूँ तो आपको यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर सबसे लो रेंज में ऑल ओवर इंडिया में जो है प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आपको जो है यहाँ पर अच्छी सपोर्ट भी मिलेंगी हमारे थ्रू अगर आप लोग आईडी लेते हैं तो। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको आईडी सेल कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी, जिससे भी आप लेना चाहो उससे ले सकते हो, लेकिन हम आपको जो है बेहतरीन सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ पर अच्छी सपोर्ट हम प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है तो हम उसको जो है हैंडल कर देते हैं और सब लोगों का मुझे नहीं पता। दोस्तों, मैं बता दूँ इसकी जो आईडी की कॉस्ट होने वाली है, उससे पहले मैं जान लेता हूँ डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी। आपका एज जो है वो 18+ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके पास रहना चाहिए और आपके पास जो है बैंक का पासबुक या स्टेटमेंट या कैंसिल चेक ये रहना चाहिए। उसके बाद से जो है आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बायोमेट्रिक डिवाइस रहना चाहिए जिससे आप KYC करोगे और जिससे यहाँ पर जो है लोगों का मनी विड्रॉवल करोगे या फिर अकाउंट्स ओपनिंग करोगे। तो यहाँ पर जो एक बायोमेट्रिक डिवाइस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आप लोग जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मिल रहा है उस पर हमसे कॉन्टैक्ट करके आप लोग रॉयनिट एक्सप्रेसो आईडी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, रिटेलर भी बन सकते हैं। आपको रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी बनना है वो हमसे जो है कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। मैं आईडी की कॉस्ट आपको बता देता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं आप लोग तो आपको जो है मात्र 499 रुपये में ऑल ओवर इंडिया के लिए चार्ज रखा गया है। तो आप लोग जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी है 499 रुपये में हमसे जो है रिटेलर आईडी ले सकते हैं और यहाँ पर जो है हम डिस्ट्रीब्यूटर आईडी
आईडी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जो है 1650 रुपये में आपको मिलेगा हमारे थ्रू। उसमें जो आपको लिमिट मिलता है रिटेलर का, वो आपको मिलता है 11 रिटेलर, मतलब एक रिटेलर जो है वो कंपनी की तरफ से आपको फ्री मिलता है और 10 रिटेलर जो है आईडी के साथ आपको मिलता है। 1650 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का चार्ज है एंड यहाँ पर जो है रिटेलर आईडी का चार्ज जो है वो आपको जो है यहाँ पर 500 रुपये लगेगा, जैसे कि 499 रुपये। अगर आप लोग सहमत हैं और यहाँ पर आईडी लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे आईडी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स करके इस वीडियो को यहाँ पर जो दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस किया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।